नमस्कार प्रणाम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भाविका पाठक व्लॉग्स में। तो दगड़ियों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो आज नवरात्र का दूसरा दिन है क्योंकि मैंने कल व्लॉग शूट नहीं किया था, तो अभी नवरात्र तो 9 दिन चलते रहते हैं, तो इसीलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी मेरी तरफ से। और अभी मैंने नहा धो लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं टीका वीका लगा लिया है और मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं पहले मंदिर में। तो दगड़ियों, ये है हमारा मंदिर। तो दगड़ियों, अब हम जाने लगे हैं खेत में। कल हमने घर पे ये धान चूटे थे, तो ये उसका पराल है, धूप में डाल रखा है। बारिश से भीग गया था ये कल रात में और सूख जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं खेत में। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि धान तो सुबह सुबह ही चूटे जाते हैं, थोड़ा सा ना लेट ही हो जाता है अब नहाना धोना खाना पीना। हाँ, मेरे व्रत नहीं है क्योंकि काम वगैरह होता है ना दिन में, तो फिर मुझसे नहीं हो पाता है व्रत। ये अभी गिर गई थी। तो ये है पानी, मम्मी आ रही है पीछे से 5 बंदूर लेके धान चूटने के लिए। तो ठीक है, सीधे आपको खेत में जाके मिलता है। तो ये आ गए हम अपने खेत में। ये है हमारे धान का कुन्यू, देखो। ये आपको मैंने परसों के व्लॉग में भी दिखाया था शायद, जिस दिन हम नीचे धान काट रहे थे। तो आज हम इसको चूटेंगे और मम्मी का पैर थक गया। और मौसम कुछ ऐसा है, मौसम बहुत अच्छा है, 2-3 दिन की बारिश के बाद थोड़ा मौसम खुला है। तो अब हम ये जो कपड़े लाए हैं घर से उनको बिछाएंगे यहाँ खेत में, ताकि धान बाहर ना जाए छटके ना, फिर धान चूटना स्टार्ट करेंगे। मम्मी का कमर थक जा रहा है दगड़ियों, मम्मी बैठ के चूट रही है। और अब मुझसे मत कहना कि तुम क्यों नहीं चूट रहे हो, क्योंकि मम्मी मुझे मना कर रही है क्योंकि मुझसे बहुत छटक जाते हैं धान। तो एक चाचा ये आए हैं हमारे, ये दिल्ली से आए हैं घर धान चूटने के लिए, है ना चाचा? खास धान चूटने के लिए आए हो गए, सौच का महीना हुआ चाची का हाथ बटाने के लिए। इसमें क्या खाना है क्या? चाय पानी लेके जा रहे हैं खेत में। जा, क्या नाम है इसका? शेरू। जा। तो अब हम जा रहे हैं घर को, धान हमने चूट लिए हैं। और ये है हमारे 2 खेतों के धान है दगड़ियों, ये इस कट्टे में। अभी इनको सुधारना बाकी है, अभी इनमें भूसा भी होगा। तो इतने धान हुए हैं हमारे अभी 2 खेतों से। तो दगड़ियों, अभी अब शाम हो चुकी है, अभी 5 बज रहे हैं। अभी मुझे 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे बाद मैं जाने वाली हूँ बर्थडे पार्टी में। आज हमारे वहाँ बर्थडे पार्टी है, वो थोड़ा सा दूर है और मुझे मतलब जल्दी थोड़ा निकलना पड़ेगा क्योंकि फिर रात हो जाएगी तो मैं कैसे जा पाऊँगी अकेले। तो इसीलिए तो सीधे अब बर्थडे पार्टी में आपसे मिलते हैं। यहाँ पे बर्थडे बॉय ये है सचिन, इधर देख तो हैप्पी बर्थडे, थैंक यू कौन बोलेगा। यहाँ पे सचिन का काम चल रहा है, स्कूल का गुब्बारा अपने यहाँ पे फूट रहा है। तो दगड़ मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, यहाँ पे सजावट हो रखी है, मतलब आधी अधूरी, अभी थोड़ा सा सामान फैला हुआ है। और देखिए कितनी सुंदर सजावट यहाँ पे हो रखी है। और ये हमारी ताई जी यहाँ पे पहुंची हुई है। बाप रे, ताई जी ने तो हंसी से पूरी वीडियो ही हिला दी। और दिन आती ना है, 4-5 दिखानी हूँ। ये गुब्बारा फुलाने वाली मशीन, ये तो दगड़ियों यहाँ पे अभी देखे इतने सारे लोग आ चुके हैं और यहाँ पे भजन से शुरुआत हो रही है। और अभी सजावट बाकी है, थोड़ी बहुत सजावट हुई है। हाँ, यहाँ पे भी हो रहा है, चाचा को भी दिखाएंगे। चाचा यहाँ पे चौमिन की तैयारी कर रहे हैं, पत्ता गोभी काट रहे हैं और यहाँ पे पानी उबल रहा है, ये चौमिन के पैकेट सब रखे हैं। और ये देखें कितनी खूबसूरत सजावट यहाँ पे हो रही है, अभी और बैलून्स लगाए जा रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है।
हैप्पी बर्थडे टू यू। और बोल क्यों नहीं रहे हो बच्चों, चौमिन खाने आए हो, सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोलो। हाँ आओ ना बच्चों, जा तू भी जा। अब क्या करो रे, अभी अब थोड़ा डांस से ब्रेक लिया गया है और थोड़ा नाश्ता पानी यहाँ पे हो रहा है, जो मैंने आपको दिखाई थी चाउमीन बनते हुए, चाउमीन बन चुकी है। और देखिए मुझे इतनी सी चाउमीन बस मिली क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, तो मेरे लिए इतनी ही बची, बट कोई बात नहीं।